नमस्कार दोस्तों, पेटीएम से अगर आप यूपीआई पेमेंट करते हैं स्कैन करके तो आपके लिए जो है बड़ी खबर है। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि पेटीएम पेमेंट बैंक जो है 15 मार्च के बाद जो है बंद होने वाला था। तो पेटीएम का जिसमें जो है यूपीआई सर्विस भी था तो वो भी बंद होने वाला था, लेकिन एनपीपीसीआई ने पेटीएम को जो है बहुत बड़ी जो है राहत दे दिया है। राहत ये है कि पेटीएम जो है अब अपने ऐप में जो है थर्ड पार्टी पेमेंट प्रोवाइडर जो है लगाने वाला है। पेटीएम को जो है चार बैंकों का जो है साथ मिल चुका है। पेटीएम में देखिए क्या अपडेट आने वाला है। सबसे पहले हम आपको लाइव जो है बताने वाले हैं। देखिए यहाँ पर देखिए हमारा पेटीएम को जो भी हम ओपन किए हैं ऐप, तो यहाँ पर देखिए मैं हमारा यूपीआई आईडी है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि पेटीएम का ये हमारा जो है यूपीआई आईडी है। इसी यूपीआई आईडी से जब हम किसी को अगर पैसा ट्रांसफर करते हैं तो यही यूपीआई आईडी जो है सामने वाला के पास जाता है। अगर हम किसी को पैसा डालते हैं मोबाइल नंबर पर भी तो यही यूपीआई आईडी जो है उनके मोबाइल नंबर पर जो है लिंक होता है। तो इसे आप ये समझ चुके हैं। इसके बाद यही यूपीआई हैंडल जो है चेंज होने वाला है। अगर आप पेटीएम के नए यूजर भी होंगे, अगर पुराने यूजर भी होंगे, अगर आप पेटीएम ऐप यूज करते हैं स्कैन करके जो भी अगर आप पेमेंट करने वाले हैं तो 15 मार्च के बाद जो है आपका यूपीआई हैंडल जो है चेंज होने वाला है। ये यूपीआई हैंडल जो है यस बैंक के साथ जो है आपका शिफ्ट हो जाएगा, धीरे धीरे चेंज होने लगेगा। आप में जो भी नोटिफिकेशन आएगा चेंज करने के लिए तो हम इसका डिटेल वीडियो जो है आपको बना देंगे कैसे जो है चेंज करना है। इसी यूपीआई हैंडल के जरिए जो है आपका सारा ट्रांजेक्शन का जानकारी जो है आप में दिखाया जाएगा पेटीएम ऐप में। पेटीएम एनपीपीसीआई की तरफ से कल नोटिफिकेशन आया था कि देखिए पेटीएम जो है अपने ऐप में जो है थर्ड पार्टी प्रोवाइडर जो है लगाने वाला है। थर्ड पार्टी पेमेंट प्रोवाइडर कहने का मतलब यूपीआई के जो हैंडल जो है चेंज होगा। कहने का मतलब का जो है चार बैंकों को जो है साथ मिल चुका है। कौन कौन से बैंक है चलिए सबसे पहले हमें ये बताते हैं। उन्हीं बैंकों का जो है यूपीआई हैंडल जो है अब पेटीएम जो है अब यूज करने वाला है। अब आपको जो है कुछ नहीं करना है। सबसे पहले देखिए जो स्टेट बैंक है, इसके बाद जो एचडीएफसी बैंक है, इसके बाद एक्सिस बैंक है, इसके बाद यस बैंक है। यही जो है सभी बैंकों का जो है यूपीआई हैंडल जो है पेटीएम जो है आप यूज करने वाला है। यूपीआई हैंडल क्या होता है, देखिए जब भी आप पेमेंट करते हैं तो वहां पर जो है आपका @paytm लिखा होता था, लेकिन अब जो है पेटीएम जो है हट जाएगा, वहां से जो है यस बैंक का यूपीआई हैंडल जो है आप पेटीएम जो है यूज करने वाला है। ये जो नोटिफिकेशन हो गया, इसके बाद आपके मन में अब ये भी सवाल आ रहा होगा कि हमने जो है ऑटो पेमेंट जो है यूपीआई में जो है सेट किए थे, जैसे कि हम म्यूचुअल फंड में जो है पैसा पेमेंट कर रहे थे इस तरीके हमारा जो है ऑटोमेटिक पेमेंट कट जाता था, लेकिन जो है अब जब हम यूपीआई हैंडल जो है चेंज करेंगे तो क्या दिक्कत आने वाला है? तो नहीं, ऐसा एनपीपीसीआई ने कहा है कि देखिए जो भी आपका यूपीआई हैंडल जो है चेंज होगा तो आप भी जो ऑटो पेमेंट कर रहे थे तो मैं आपका कुछ जो है चेंज नहीं होगा। जैसे आपका पहले पेमेंट कट रहा था अब वैसा ही आपका पेमेंट जो है कटता रहेगा, कोई इसमें जो है दिक्कत नहीं आने वाला है। आई होप इस क्लियर जो है आप समझ चुके होंगे पेटीएम में जो है क्या चीज यूपीआई हैंडल को जो है चेंज होने वाला है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप अभी नहीं समझे हैं तो मुझे कॉमेंट करके जो है सवाल पूछ सकते हैं।